बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं होममेड आइसक्रीम। दूध मैंने 1.5 लीटर लिया था, उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। ये देखिए, अब मेरा 1 लीटर रह गया इसमें दूध। इसको अच्छी तरह से आपने बॉईल करना है। अब हम इसमें चीनी लेंगे। चीनी आप जितना आपको मीठा चाहिए उतना लें। मैं 1/2 कप इसमें ले रही हूँ। ये इलायची पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है इसमें। और ये पिस्ते बादाम मैंने काट के रखे हुए थे, वो भी आप जितने आपको टेस्ट के लिहाज से आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये अब हम इसमें मिल्क पाउडर 1 कप डाल रहे हैं। आपको आपने एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ मिक्स करते हुए। ये देखें, मिल्क पाउडर मैंने डाल लिया था। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको मज़ीद 20 या 25 मिनट बॉईल करूँगी। अच्छी तरह ये बॉईल होके हल्की आंच आपने बिल्कुल देख लेना, साथ साथ हल्की आंच थोड़ी फिर तेज़ कर ले, वो आप अंदाज़ा आप खुद देख लेना। अब मैंने डबल क्रीम 2 कप ले लिया, उसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून चीनी डाल के इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी। ये देखें, मेरा दूध बहुत पतला था, थिक नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके वो डाल दिया था। अब देखिए, आपको इतना थिक होना चाहिए आपका ये मिक्सचर आइसक्रीम के लिए ना। ये देखें, दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। अब हमने इसे उतार लिया। अब हम इसमें जो डबल क्रीम बीट की थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सी आइसक्रीम हमारी रेडी है। अब मैं ओवर नाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको निकाल के बताऊँगी इसका रिज़ल्ट। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे बने। और इसको मैं ऊपर से ना कवर करके रख दूँगी। आपने कवर करके मैंने क्लिंग फ्लेम लगा के ऊपर से कवर करके रात ओवर नाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी।